आपका लैपटॉप भी अचानक बंद हो रहा है। आज आप जैसे ही ऑफिस पहुंचे होंगे और अपना लैपटॉप ओपन किया होगा, वैसे ही आपको अपने सिस्टम पर कुछ इस तरह की तस्वीर दिखाई दी होगी। दरअसल ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि सभी के साथ आई है, क्योंकि आज दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज अचानक से ठप हो गई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कंप्यूटर और लैपटॉप काम नहीं कर रहे हैं। यूजर्स को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉगिन करने और ऐप का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। इसकी वजह से विश्व भर में एयरलाइंस के सर्वर में भी खराबी आ रही है। सर्वर की समस्या की वजह से कई कंपनियों के विमान सेवाएं प्रभावित हुई। कई कंपनियों के विमान उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम भी बंद हो गया। कई सारे विंडोज यूजर्स को हालिया क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ यानी BSOD एरर का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट और कंपनी के फोरम पर एक पिन किए गए मैसेज के जरिए ये जानकारी सामने आई। ये समस्या काफी बड़े पैमाने पर लग रही है, जो उन मशीनों को प्रभावित कर रही है जिनमें कई तरह के क्राउड स्ट्राइक सेंसर वर्जन चल रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक ने इस समस्या को स्वीकार किया है और अभी इसके पीछे के कारण की जांच भी की जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये एरर असल में है क्या। असल में BSOD एरर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एरर को संदर्भित करता है। इसे स्टॉप एरर के रूप में भी जाना जाता है। इसे बेहद ही गंभीर एरर के तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये दिक्कत सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आ रही है और लगभग सभी देशों के यूजर्स को कुछ इसी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। अभी एरर आया कैसे ये भी आपको बता दें। आपको बता दें कि आउटेज पूरी दुनिया में हो रहा है। इसमें दुनिया भर से लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और अन्य देश भी अपनी समस्या को दर्शा रहे हैं। आउटेज के पीछे का कारण उनके मुख्य प्रोडक्ट फॉल्कन में एक तकनीकी एरर को माना जा रहा है। ये विंडोज सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए एक प्रमुख सुरक्षा प्रणाली है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में उपयोगकर्ता इसका सामना भी कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सर्विस हेल्थ स्टेटस अपडेट के मुताबिक इस बाधा में आ रही और इसकी वजह से कनेक्टिविटी फेलियर की समस्या हुई है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस दिक्कत की वजह से माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज पर असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने वाली क्राउड स्ट्राइक ने इस दिक्कत को माना है। क्राउड स्ट्राइक का साइबर सिक्योरिटी फर्म है। फर्म की इंजीनियर्स ने उन कंटेंट को खोज लिया है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है और किए गए बदलाव को पहले की तरह भी किया गया है। क्राउड स्ट्राइक ने इस दिक्कत को माना है और वो इसकी वजह की जांच भी कर रही है। क्राउड स्ट्राइक ने इस बारे में लिखा है कि हमें इस एरर के बारे में जानकारी है जो विंडोज सिस्टम में देखने को मिल रही है। जल्दी से जुड़ी और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।